नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार है और आप मुझे देख रहे हैं एग्रो कैरियर पे। तो जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, क्या आखिर आईसीआर में क्या प्रॉब्लम हो गई जिससे कि हमारा डिग्री या एडमिशन ना हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आईसीआर के फॉर्म फिलअप करते वक्त बहुत सारे कैंडिडेट ने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत कर दिए थे, जिसके कारण अब क्या हो रहा है कि अब काउंसलिंग का टाइम आ रहा है और आईसीआर ने रैंक कार्ड जारी करेंगे। इसका क्या दायित्व है कि हम इस वीडियो में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आखिर क्या गलत किए हैं जिसके कारण स्टूडेंट को खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, एक गलती आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नहीं जानते हैं क्या है तो हम बता देते हैं इस वीडियो में। ऐसा क्या हुआ है कि जैसे कि बहुत सारे लोगों ने आईसीआर का फॉर्म फिलअप करने वक्त कास्ट सर्टिफिकेट, किसी ने अपनी कास्ट चेंज कर दिए थे, किसी ने ओबीसी की प्रॉब्लम आई है। जैसे किन्हीं लोगों का, जैसे अगर आपका पापा का इनकम, चाहे अगर आपके पापा सर्विस में है, अगर एनुअल इनकम 8 लाख से ऊपर है तो आपका ओबीसी में आते हैं या नॉन क्रीमी लेयर में या नहीं आते हैं, एक ये प्रॉब्लम है। और कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो जिनसे गलती ये हो गई थी कि उस वक्त कुछ अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने वक्त उनके पास जो ओबीसी चाहे एससी या एसटी चाहे जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उनके पास नहीं था, तो उन्होंने क्या कर दिया था कि जनरल ने अप्लाई कर दिया था। और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो ओबीसी में होते हुए भी एससी में अप्लाई कर दिए थे, ठीक है, लेकिन उनको ये पता ना चला कि आईसीआर ने डेट बढ़ा दिए थे करेक्शन का, ठीक है, और अप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है, जिसके कारण वो लोग मिस कर गए हैं। ठीक है, और अब क्या हुआ कि उनका अच्छा नंबर आए हैं, कुछ मार्क्स अच्छे आए हैं, ठीक है, तो जिनके कारण अब उन लोगों को ये डर लग रहा है क्या मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। देखिए, हमारे स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा एक कैंडिडेट है, ठीक है, जिनका ये प्रॉब्लम ये हुआ है कि वो उनके पिताजी जॉब में है, ठीक है, और उनके पिताजी का इनकम 8 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, तो इनका क्या होगा कि इनका अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाली सर्टिफिकेट बनाने गए थे तो इनका नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक रूल है, क्योंकि आप जाइएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की एनसीएल वाली जाइए तो उनका उसमें क्या है कि आपके कैंडिडेट जो भी हैं तो आपके बच्चे, अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपके पिताजी यानी गार्जियन का इनकम जो है आपका 8 लाख से ज़्यादा ना हो, जिसमें कि एग्रीकल्चर और कुछ अदर्स फील्ड वाले इंक्लूडेड नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स का 8 लाख से ऊपर है और आपने फॉर्म फिलअप करने वक्त, आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं लेकिन आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त ओबीसी ने ऑप्ट करके नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट कर दिए हैं तो आपका एडमिशन कैसे होगा। ठीक है, उसका भी हम प्रॉब्लम बताएंगे और क्या करना है। और एक कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज आया जिसका आपको दिख रहा है कि सर, मैंने फॉर्म फिलअप करने वक्त हमारे पास जो है सर्टिफिकेट नहीं थे, ठीक है, और मैंने अप्लाई कर दिया था जनरल के में, और अब क्या हमें काउंसलिंग के वक्त हमें अपने कैटेगरी से सीट मिलेगा या नहीं। तो हम आपको बता देते हैं कि अगर आईसीआर ने करेक्शन विंडो पिछले साल जिस तरह से ओपन किया था एक बार फिर से अगर ओपन करता है तो आपका चेंज हो जाएंगे कास्ट सर्टिफिकेट, किन्हीं का बहुत सारे दिक्कत हैं, करेक्ट करना बाकी है, जैसे किन्हीं का आपका मेल फीमेल हो गया है, किन्हीं लोगों का कास्ट चेंज हो गया, किन्हीं लोगों का ओबीसी नॉन ओबीसी एनसीएल हो गए हैं, कुछ जनरल वाले ओबीसी, तो आपके लिए आपके पास एक ही सलूशन है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि हम आपको सारा सलूशन आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता दें, क्योंकि थोड़ी ये वीडियो लंबा जाएगा लेकिन आपके लिए ये इंफॉर्मेशनल वीडियो है। आप क्या करें, जिन कैंडिडेट का ओबीसी के जनरल के जगह ओबीसी अप्लाई कर दिए हैं तो आप उनके लिए एक उपाय है कि आप एक रिक्वेस्ट डालिए, आपको आपका ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है नीचे, ठीक है, आप इस पे NTA.ICR.in जो इसका आपको वेबसाइट हम दे देंगे, आपको दिख रहा है, ठीक है, उस पे आप जाकर मेल कर दीजिए कि सर, जो आपकी जेन्युइन रीजन है विथ आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा और आपके पासवर्ड जो भी हो वो जरूर आप सेंड करिएगा, ठीक है। साथ में एक टोल फ्री नंबर है, आईसीआर का हेल्पलाइन नंबर है, जो कि आप उस पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन बात करिएगा तो टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें बहुत सारे बिजी बताएंगे, क्योंकि उनके वर्किंग आवर के बीच में ही आप उनसे बात कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे। जिन कैंडिडेट ने से गलती हो गया है तो आप
उनके पास एक ही उपाय है कि आप सभी लोग फिर से मेल आईडी पर जो हम आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है उस पर आप एक मेल डालिए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम लिख के कि सर फिर से एक बार रिक्वेस्ट कीजिए कि करेक्शन विंडो ओपन कर दिया जाए 2 दिन के लिए। और जिस तरह से पिछले बार करेक्शन विंडो ओपन हुए थे और कुछ लोगों का फाइन लगे था जैसे कुछ चार्ज लेके करेक्शन हुए थे, इस बार भी करेक्शन करने के लिए मौका दे, ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका दिक्कत हो गई है, गलतियां हो चुकी हैं, ठीक है, और मिस कम्युनिकेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के कारण उन्हें करेक्ट नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपके पास एक ही उपाय है कि आप मेल करें, ठीक है। और क्योंकि अगर एक बार रैंक कार्ड जारी हो जाएगा तो फिर आप एडमिशन के टाइम में आपको दिक्कत हो जाएगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट से अप्लाई किए हैं तो आपको जनरल से ही होगा, ठीक है, लेकिन आप ओबीसी एनसीएल में अप्लाई कर दिए जबकि आप एलिजिबल नहीं थे कि हम ओबीसी में अप्लाई कर दिए तो क्या हमारा सीट ओबीसी में होगा, क्योंकि हम नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। तो आपको ये बात जान लीजिए कि अगर ऑन द स्पॉट एडमिशन होगा, एडमिशन के टाइम आपसे ओबीसी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, ठीक है। अगर बाय द वे अगर आपके एडमिशन हो भी जाएंगे तो एडमिशन होने के बाद आपको कॉलेज में आपसे मांगेंगे, अगर उस वक्त नहीं दीजिएगा तो आपको टाइम दिए जाते हैं कि आप ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करिए। अगर ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करिएगा तो क्या आपको जनरल से सीट मिलेगा कि नहीं, तो आपको कम चांस है कि आपको जनरल से सीट मिलेगा। अगर जनरल से अलॉट होगा तो आपको रिक्वायरमेंट ना मांगेंगे, लेकिन अगर जहां ओबीसी कैटेगरी या जिस कैटेगरी के अनुसार आपको सीट मिलेगा तो आपको वहां पर आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, ठीक है। उससे बचने के लिए अब यही उपाय है कि आपका एडमिशन कैंसिल ना हो, तो आपके पास एक ही है कि आप एक मेल करिए आईसीआर को ताकि इस पे करेक्शन विंडो खुल जाए और आप सभी लोगों का प्रॉब्लम सही हो जाए जिनका लिंक चेंज हो गया है, जेंडर चेंज हो गया है, सॉरी फॉर्म फिलअप करने वक्त, ठीक है। तो आप वो अप्लाई करिए, सभी लोग अपना एक जेन्युइन रीजन बता के आप लोग आईडी पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर मेंशन करिएगा। साथ में जिनका बहुत सारे लोगों का है कि हमारा कैटेगरी वाले हैं तो वो भी बता दिए कि आप लोग इस तरह से मेल करिए, ठीक है। अगर आप लोग से भी कुछ गलती हो गई है तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं, ठीक है, कि सर मेरा ऐसे ऐसे हो गया है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जिनके पास ये गलतियाँ हो चुके हैं तो उनके पास एक लास्ट मौका है कि आप मेल डाल के कहीं आपका रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिए जाएंगे तो सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कि करेक्शन विंडो खुल जाएगा, ताकि आप सभी लोग सुधार कर पाइएगा और आपका एडमिशन सही जगह पर हो जाए, ताकि आपके भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। और कुछ भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए जितना हो सके हम हेल्प करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा नाम सूरज कुमार है और आप मुझे देख रहे हैं एग्रो करियर पे, मैं एमएससी सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, ठीक है, मैं आईसीआर के थ्रू एडमिशन लिया हूँ। तो इन सभी मुद्दे पर सारे आईसीआर से काउंसलिंग से रिलेटेड मैं पिछले साल से वर्क कर रहा हूँ और कितनी रैंक वाइज क्या क्या चीज़ प्रॉब्लम हुई है, किस तरह से एडमिशन होगा, इन सारे मुद्दे पर हम सभी लोगों को गाइड करते हैं जो भी स्टूडेंट है नए, ताकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे भी हैं कि आईसीआर में एडमिशन लेने के लिए नहीं मिल पाते हैं, तो आप निश्चिंत होकर रहिए, ठीक है, आपको सारा चीज इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिसके कारण आपका सारा काम ओके हो जाए और एडमिशन अच्छे जगह पर हो जाए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे डॉक्यूमेंट में कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं ताकि आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। और इसके बाद आईसीआर के टॉप कॉलेजेस की बात करेंगे जहाँ पर एडमिशन लेना और संस्थाय कॉलेज है, तो उसके लिए मैं हिंट दे देता हूँ अभी थोड़ी सी। आपकी जो टॉप है, टॉप कॉलेज में अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हमारे हिसाब से तो अगर हम देंगे तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एनडीआरआई करनाल है, जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के नहीं होते। उसके बाद आप जीवी पंत नगर ले सकते हैं, बीएचयू हो सकते हैं, बीएचयू है, यूएस बेंगलोर है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आप उसके बाद आपके पूसा है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो कि नंबर वन है, वहाँ पर कुछ ऐसे फैसिलिटी है, कुछ ऐसे ब्रांच है जहाँ पर आपके अच्छी पढ़ाई होती है। तो इन रिलेटेड मैं इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, हैव ए